तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में कि एक हमारा माइंडसेट है जो वो राइट माइंडसेट कैसे हो सकता है। तो राइट माइंडसेट वो होता है जो हमको लग रहा है कि हमारे लिए राइट है, चाहे दुनिया को वो चीज़ सही लगे चाहे गलत लगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हर एक का अपना एक अलग व्यू पॉइंट होता है, तो हम सबके व्यू पॉइंट पे खड़े नहीं हो सकते। तो राइट माइंडसेट इन द सेंस ये हो गया कि ऐसा माइंडसेट जिससे आप खुश रहे और आपको फायदा हो, आपके लिए चीजें आसान हो जाए, तो उसको हम राइट माइंडसेट कह सकते हैं। ये हर एक के लिए अलग हो सकता है, ऐसे नहीं है कि वो अगर उस पे फिट, एक आदमी पे एक चीज फिट हो रही है तो वो दूसरे पे भी वही चीज फिट होगी, ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग हालात होते हैं, अलग अलग अपब्रिंगिंग होती है, अलग अलग सोचने का नजरिया होता है, तो उस हिसाब से वो चीजें एक्ट करती हैं। तो माइंडसेट भी वैसा ही है, हर एक आदमी का अलग अलग होगा। हम बस उसको उस माइंडसेट से बैठ के होना चाहिए, उसको हम राइट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट कह सकते हैं। इन चीज़ों पे क्या है कि जैसे यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं कि माइंडसेट सही होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कोई नहीं, तो कैसा होना चाहिए मतलब जिसमें आपको फील अच्छा हो, आपके लिए बेनिफिट हो और ओवरऑल आपकी हेल्थ और माइंड इम्प्रूव हो, तो उसको हम राइट माइंडसेट कह सकते हैं। किसी भी माइंडसेट को चेंज करने के लिए वो अपना करंट माइंडसेट होगा, पर जो आपके लिए फायदेमंद है वो माइंडसेट होगा, तो उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक दिन में नहीं होता है। आपको खुद को, माइंड को ये कहना पड़ता है कि ये आसान है, पर रियलिटी में ये आसान नहीं होता है, आपको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होगी और तब जाके आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट को चेंज करने में हैबिट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है, हमारी जैसी हैबिट्स होती हैं उस तरह का माइंडसेट होता है, तो ये इंटरलिंकड है एक तरह से। तो अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे सुधारो, सुबह जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, अच्छे से नहाओ धो, फोन कम यूज़ करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, हेल्दी खाना खाओ, ऐसे ही धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी, तो ऐसे ही माइंडसेट बनेगा। तो ये चीज़ है। एक मेडिटेशन, मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी माइंड के लिए, तो आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और माइंड और हमारे स्टमक, हमारे पेट का जो है ना, माइंड और पेट का सीधा एक लिंक होता है, तो हमें अपने पेट को इस तरह से भरना है कि हमें फुल एनर्जी मिले और भूख भी महसूस ना हो, तो हमारा माइंड सही काम करेगा। अगर हमें भूख महसूस होगी ना, तो हम उतावले होते हैं, उत्तेजना से आ जाती है और हमारा माइंड भी तब सही काम नहीं करता है। तो खाना पीने की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है माइंड सेट को बनाने के लिए, और एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है सुबह सुबह उठ के, जैसे स्पोर्ट्समैन करते हैं, वॉकिंग करनी पड़ती है, जॉगिंग करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई जाती पर आपको ऑफ स्क्रीन वो करनी पड़ती है हेल्थ मेंटेन करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, प्लस आपके आसपास बहुत सारा एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा करिए, उससे अपने माइंड को रिलैक्स रखना पड़ेगा, तो हल्के फुल्के भी रहना सीखना पड़ेगा, तभी आपका माइंडसेट बना रह सकता है और चीज़ों को फेस करना सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम चीज़ों से भाग रहे हैं, चीज़ों से हम भाग नहीं सकते, चीज़ों को फेस करो, ओवरकम करो अपने फियर्स को। राइट माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होता है, बहुत धीरे धीरे, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाओगे धीरे धीरे आपको चेंज महसूस होगा, ठीक है। और राइट माइंडसेट ऐसे नहीं है कि एक बार बन गया तो बना रहे हो, इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपनी अर्जेस को कंट्रोल करके, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कंट्रोल करना है, पर एक मात्रा तक हमें इसको कंट्रोल रखना है। तो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है माइंडसेट, इसको बहुत छोटी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर हाँ जहाँ तक है मैं अपने व्यू पॉइंट से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माइंडसेट ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर आपको खुद समझना है कि राइट माइंडसेट क्या है। आपको कोई सिखा नहीं सकता यूट्यूब पे भी ये राइट माइंडसेट है, समझ लो, राइट माइंडसेट वही है, देन मैं यही कहना चाहूँगा राइट माइंडसेट वही है जो आपके लिए राइट है, दैट्स इट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।